सबसे पहले तो मैं हनुमंत राव जी को और तकदीर साहब को शुक्रिया अदा करेंगे कि आज ये जो नशिश हो रही है ये बहुत शॉर्ट नोटिस पे हो रही है। करीब 4-5 दिन पहले हम लोगों ने तय किया था, क्योंकि यहाँ हर साल राजीव गांधी क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, कई बार मैं उसमें शामिल भी हो चुका हूँ और आज उसका फाइनल है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके लिए हमारे साथी हनुमंत राव जी ने मुझे दावत दी थी, तो मैंने इस मौके का फायदा उठाते हुए फखरुद्दीन साहब से कहा कि आप अगर एक छोटी नशिश हैदराबाद के हमारे भाइयों की बुला सकते हैं तो ज़रूर बुलाइए। मैं चाहता हूँ कि कौमी तंजीम के बैनर में उनसे गुफ्तगू हो, बातचीत हो। पहले भी मैं कई बार हैदराबाद, तो मैं समझता हूँ मैं सैकड़ों बार आया हूँ, क्योंकि इसे तारीखी शहर से एक खास लगाव रहा है, मोहब्बत रही है और साथ में मैंने लगातार अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में मैंने काम किया है, उस हैसियत से भी मेरा आना जाना इस तारीखी शहर में रहा है। तो आज फिर मैंने सोचा कि इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए और आप सबसे मुलाकात हो, बातचीत हो और जो मुल्क के मौजूदा हालात उस पर तबसरा हो, बहस हो कि आखिर इस नाजुक दौर में हमें क्या करना चाहिए। जहाँ तक कौमी तंजीम का सवाल है, कौमी तंजीम की बुनियाद इसीलिए रखी गई थी कि फिरका परस्ती के खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी है, हमें आवाज़ उठानी है, चाहे वो फिरका परस्ती किसी भी तरह की। हमारा ये मानना है कि किसी भी कौम की फिरका परस्ती वो हमारे लिए मुजिर है, हमारे लिए नुकसानदेह है। ये कभी नहीं हो सकता कि हिंदुओं की फिरका परस्ती से मुल्क को नुकसान हो सकता है और मुसलमानों की फिरका परस्ती से नहीं हो सकता है, या अकलियत की फिरका परस्ती से नहीं हो सकता है। इसीलिए क्योंकि फिरका परस्ती एक ऐसा जहर है जो सामने से दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन आने वाले वक्त में उसके असरात दिखाई पड़ते हैं। आज कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ सियासी पार्टियां ऐसी हैं जो पूरी तरह से इस मुल्क को फिरका परस्ती की आग में झोंकना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो इस मुल्क की सियासत पर आज काबिज हैं, हावी हैं। ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि सीधे रास्ते से हम इस मुल्क की हुकूमत तक, इस मुल्क की कुर्सी तक नहीं पहुंच सकते हैं। वो लोग, उन्होंने एक शॉर्टकट रास्ता अपनाने की कोशिश की। तो ऐसे लोगों के चेहरे पर जो निकाब है उसको उठाने की जरूरत है और ये काम हर जो इस मुल्क से जिसको मोहब्बत है, लगाव है, जो इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम भाईचारगी चाहता है, जो इस मुल्क के अंदर अमन और चैन चाहता है, उन सब को आगे आना पड़ेगा, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक उसके लिए काम करना पड़ेगा। एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां कहा गया है कि मसलहत बहुत जरूरी है, हर काम जज्बात से अंजाम नहीं दे सकते, कभी कभी जज्बात की भी जरूरत होती है, लेकिन मौके को देखना चाहिए कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। और इसलिए आज पूरा मुल्क एक ऐसे दौराहे पर खड़ा है कि उसको यह फैसला करना है कि हमको इस मुल्क को, जो हमारे बुजुर्ग थे,
जो हमारे आजादी के रहनुमा थे, जिन्होंने इस मुल्क की आजादी की लड़ाई लड़ी, जंग लड़ी, जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उनके बताए हुए रास्ते पर हमें चलना है, या ऐसे लोगों के बताए हुए रास्ते पर चलना है जो इस मुल्क को कमजोर करना चाहते हैं, इस मुल्क की सालमियत, इस मुल्क की एकता को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यानी एक तरफ गांधीवाद है तो दूसरी तरफ गोडसे, जिसने गांधी जी की हत्या की थी, गांधी जी का की जान ली थी। ये दो ख्यालात इस मुल्क के अंदर चल रहे हैं आज की तारीख में। और चूंकि मजहबी जज्बात को उभारना बहुत आसान होता है, हम भी कुछ ऐसी बात कह सकते हैं जिससे आपके जज्बात उभर जाएं, आपको लगे कि इस्लाम खतरे में है। उसी तरह से दूसरी कौमों में भी ऐसे लोग हैं जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर उनकी सालमियत खतरे में। जो इस मुल्क की अक्सरियत है, ताज्जुब इस बात की है, ताज्जुब इस बात का है कि जिनकी 80% जिसकी आबादी है उसको 20% की आबादी से डराया जा रहा है, कहा जा रहा है कि तुम्हारी सालमियत खतरे में। ये जो एक शक और शुबा पैदा करने की कोशिश हो रही है और एक गलतफहमी पैदा करने की कोशिश हो रही है इस मुल्क में, ये सिर्फ इस मुल्क के जो हुकूमत है उस पर बने रहने के लिए, उस पर कब्जा करने के लिए ये काम किया जा रहा है। ये भूल जाते हैं कि जिस समाज के अंदर, जिस कौम के अंदर, जिस मुल्क के अंदर अगर आपसी भाईचारगी नहीं होगी, एक दूसरे पर भरोसा और यकीन नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, वो कौमें ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहती, वो मुल्क ज्यादा दिन तक कायम नहीं रह सकता। क्योंकि छोटी सी मिसाल है, अगर हमारे खानदान में, हमारे फैमिली में अगर आपस में सब भाइयों में झगड़ा हो जाए किसी मसले को लेकर, तो वो घर बर्बाद हो जाता है, वो खानदान बर्बाद हो जाता है। ठीक वही हालत मुल्क की है, समाज की है। अगर हमारे बीच में अगर एक दूसरे पर हमें इत्तफाक नहीं है, एक दूसरे को भरोसा और यकीन नहीं है, तो यकीन आने वाले समय में, आने वाले वक्त में मुल्क के लिए वो खतरा बन सकता है। और देखा हमने तारीख दोबारा इस बार, तो आज जो लोग ये काम कर रहे हैं वो आपसे खेल रहे हैं, हकीकत में वो इस बात को फरामोश कर चुके हैं कि मुल्क की सालमियत, मुल्क की एकता कितनी अहम होती है, कितनी जरूरी होती है। तो इसलिए आज जैसा मैंने कहा कि हमारे मुल्क के आईन के ऊपर हमला है। क्यों? क्योंकि ये आईन बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा बनाया गया, उनके जरिए बनाया गया, जो एक दलित थे। बहुत सारे जो सौर जाति के लोग हैं, बड़े उच्च जाति के लोग हैं, उनको ये बात उनके हलक से नहीं उतर रही है कि एक दलित के जरिए बनाया हुआ कानून या आईन, उसको कैसे हम कबूल कर सकते हैं। ये उनके दिलो दिमाग में ये काम कर रहा है, इस नजरिए से वो काम कर रहा है। हालांकि हमारा आईन जो बना, बड़ी बहस और मुबाहसे के बाद, वाकई बहुत मंथन के बाद, सोच समझ के बाद, और पूरे हिंदुस्तान के जो मौजूद हस्तियां थी, जो काबिल लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, दूरंदेश लोग थे, वो सब लोगों ने सर जोड़ कर बैठ कर हमारे मुल्क का आईन बनाया। और उनका नजरिया ये था कि इस मुल्क के अंदर, हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां दुनिया के हर मजहब के मानने वाले लोग रहते हैं, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, बुद्धिस्ट है, जैनी है, जिसका भी नाम ले लीजिए, वो सारी कौमें यहां इस मुल्क में बसती हैं। और इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया, उन्होंने इस बात का अंदाजा लगाया
कि अगर इस मुल्क की सालिमियत को बचाना है, इस मुल्क के मुस्तकबिल को बचाना है, तो हमें एक ऐसा रास्ता अपनाना पड़ेगा, ऐसी बुनियाद रखनी पड़ेगी जिसमें सभी मजहब के लोगों का की गुंजाइश हो। और तब उन्होंने सेकुलरिज्म की बुनियाद रखी, तब उन्होंने जमहूरियत की बुनियाद रखी कि यही एक रास्ता है जिससे हम हिंदुस्तान के तमाम लोगों को जोड़ सकते हैं। जमहूरियत ही एक ऐसा तरीका है, ये एक ऐसी कड़ी है कि जो हम सब लोगों को एक साथ जोड़कर रख सकती है। और आईन में उसकी उसको उसकी अहमियत बताई है। तो आज कोशिश ये हो रही है, आप सुनते होंगे, अखबारों में पढ़ते होंगे, कुछ लोग खुलेआम और कुछ लोग छुपकर हमारे आईन पर हमले कर रहे हैं, उसको बदलने की बात कर रहे हैं। ये क्यों? क्योंकि उनको ये बात का एहसास है कि जब तक अंबेडकर जी के द्वारा बनाया हुआ, उनके जरिए बनाया हुआ जो आईन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जब तक वो कायम है, तब तक इस मुल्क के अंदर हिंदू मुस्लिम इतिहाद कायम है। तो इस इतिहाद को खत्म करने का एक ही तरीका है कि इस मुल्क के आईन को बदला जाए। साथ ही साथ ये वो लोग हैं जिनको जमहूरियत पर यकीन नहीं है, जो ये मानकर चलते हैं कि जो जमहूरी तरीका है और जिसमें सबको बराबरी का हक दिया है हमारे आईन ने, ये सही नहीं है। वो सिर्फ चाहते हैं कि एक मजहब का, एक जबान का, एक कल्चर का, एक तहजीब का, एक तमद्दुन का, एक ही सोच इस मुल्क में हो, जो मुमकिन नहीं है। पिछले दिनों राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में बहुत अच्छी तकरीर की थी और उन्होंने यही कहा था कि हमारे आईन में इस बात का ख्याल रखा गया है कि जितने भी रियासतें हैं, जितने भी सूबे हैं, उन सब की राय से, उनको विश्वास में लेकर, उनको भरोसे में लेकर ही ये मुल्क चलाया जा सकता है। ये मुल्क दिल्ली में बैठकर कुछ लोग अगर चलाना चाहेंगे तो ये मुमकिन नहीं है। ये तभी मुमकिन है जब हर सूबे के लोगों को, हर रियासत के लोगों को, उनके ख्यालात को, उनकी तहजीब को, उनकी जबान को, उनकी हिफाजत करते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे तभी जाकर ये मुल्क एक रह सके। तो ये बात उन्होंने इसलिए कही थी कि आज ये कोशिश हो रही है मुल्क के अंदर कि एक ही तहजीब, एक ही कल्चर, एक ही जबान, एक ही मजहब को एक तरह से इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिया जाए, जो सही नहीं है। तब ये मुल्क एक रह पाएगा, ये बहुत ही बहुत बहुत बड़ा सवाल है। तो ऐसे हालात में हम सब लोग गुजर रहे हैं। हम यही कहना चाहते हैं, हमारी कौम में भी, हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे नासमझ लोग हैं जिनको हम कह सकते हैं कि हमारे नादान दोस्त हैं। दोस्त दो तरह के होते हैं, एक दाना होते हैं, एक नादान होते हैं। एक वो होते हैं जो सोच समझ कर आपकी हिफाजत चाहते हैं, आपकी तरक्की चाहते हैं, लेकिन एक वो लोग हैं जो अनजाने में हो वो कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जिससे जो हमारे मुखालिफ हैं उनको फायदा पहुंचता है। जब हम मुस्लिम इत्तेहाद की बात करते हैं तो यकीनन दूसरी तरफ जो हिंदू फिरका प्रस्त है वो हिंदू इत्तेहाद की बात करते हैं। तो ये दोनों चीज अपनी जगह पर गलत है। हम सबको ये सोचना होगा, हम अकलियत में हैं, हमको उन तमाम जो सेकुलर पार्टियां हैं, सेकुलर मिजाज के लोग हैं, अब यहां पर हमारे हरिमोहन राव जी है और ऐसे बहुत सारे हमारे रहनुमा हैं अलग अलग पार्टियों में, सेकुलर पार्टियों में हैं, जिनके ख्यालात बहुत वसी हैं, जो चाहते हैं इस मुल्क के अंदर सब लोगों को लेकर चला जाए, सबों को उनका हक दिया जाए। तो वैसे लोगों को, वैसी पार्टियों को, वैसे ख्यालात को हमें तकलीफ देनी पड़ेगी, उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। हम अकेले ये लड़ाई नहीं लड़ सकते, फिरका परस्ती की लड़ाई फिरका परस्ती नहीं हो सकती।
फिरका प्रस्ती का जवाब धर्म निरपेक्षता से, सेकुलरिज्म से देना पड़ेगा। उन तमाम सेकुलरी सेकुलर मिजाज के जो लोग हैं उन सबको इकट्ठा करना पड़ेगा, उनको साथ लेकर चलना पड़ेगा, तभी हम इस मुल्क में सेकुलरिज्म को बचा सकते हैं। और सेकुलरिज्म की बका सपनों की हिफाजत सबसे जरूरी जो इस मुल्क में अकलियत है उसके लिए, अकलियत की हिफाजत या अकलियत का मुस्तकबिल तभी बच सकता है जब यहाँ सेकुलर ताकतें मजबूत हों। तो हमें उन तमाम सेकुलर ताकतों को, सेकुलर मिजाज के लोगों को अपनी पूरी ताकत देनी पड़ेगी, उनका साथ देना पड़ेगा, तभी जाकर इस मुल्क को हम बचा सकते हैं। बहुत खतरनाक मोड़ पर हम खड़े हैं, जैसा मैंने शुरू में कहा, हम चाहेंगे क्योंकि हम सब लोग एक कहा जाए कि एक आंधी के खिलाफ, एक ऐसी हवा के खिलाफ चल रहे हैं, हवा के मुखालिफ चल रहे हैं। लहर जो नदी की लहर होती है उस लहर के खिलाफ चलना है, क्योंकि मजहब का नाम लेकर किसी के जज्बात से खेलना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर उसको सही रास्ता दिखाया जाए तो मुश्किल है, लोगों का चलना मुश्किल होता है। वही आदत है, आज कुछ लोग हमारे जज्बात से खेल रहे हैं, उनसे भी होशियार होने की जरूरत है। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, फिर एक बार तमाम हैदराबाद के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और एक हमारा जो कौमी तंजीम का जो सही नारा है वो इस उर्दू के शेर से मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। ये हमारी सोच है और यही हमारा आने वाले दिनों में हम इसी पर चलेंगे। है रास्ता कठिन है, रास्ता मुश्किल है, जैसा मैंने कहा कि जज्बात से खेलना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर तामीरी नज़रिए को लेकर, तामीरी सोच को लेकर चलना बहुत मुश्किल होता है, तो हम उन ताकतों से कैसे लड़ेंगे इसका रास्ता मुख्तसर तौर पर मैंने आपके सामने रखा है कि आइए इस मुल्क की सेकुलर ताकतों को मजबूत कीजिए, और आने वाले समय में हम सब मिलकर, ऐसे लोगों की कमी नहीं है इस मुल्क के अंदर, आप सब जानते हैं कि जो मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रहे नरेंद्र मोदी जी, इनको 2019 में बहुमत का सपोर्ट नहीं था, उनके साथ मेजोरिटी वोट नहीं था। आज भी जो मेजोरिटी है वो इस भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार के खिलाफ है, तो उनको सिर्फ मुतहद करना, उनको एक साथ करना, उनको साथ लाना है, तभी जाकर हम उसमें कामयाब हो सकते हैं। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और फिर एक बार हनुमंत राव जी का, फखरुद्दीन साहब का और उनके तमाम साथियों का, जिन्होंने बहुत ही मुख्तसर वक्त में आज की ये नशिस्त रखी है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि कौमी तंजीम को पूरे तेलंगाना में, आंध्रा में, हर जगह हमको उसकी आवाज़ को पहुंचाना है, क्योंकि सिर्फ हम खामोश तमाशाई बने रहेंगे तो हमारा मकसद पूरा नहीं होगा, और ये मुल्क फिर गलत दिशा में, गलत रास्ते में चला जाएगा। तो इससे पहले कि हमारा नुकसान हो, इस मुल्क का नुकसान हो, हम सबको इकट्ठा होना होगा, आना होगा, एक साथ आना होगा, और हमको मिलकर ये लड़ाई लड़नी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़, जय हिंद।